एसिड रेडिकल्स, टेस्ट फॉर कार्बोनेट। एक टेस्ट ट्यूब लें और उसमें लाइम वाटर भर लें। अब एक पासिंग ट्यूब लें और उसमें दिए गए मिक्सचर को डालें। अब उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालें और पासिंग ट्यूब का माउथ कवर कर दें और पासिंग ट्यूब के पाइप को लाइम वाटर वाले टेस्ट ट्यूब में डालें। यू कैन ऑब्जर्व दैट पासिंग ट्यूब में कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस इवॉल्व होगी, दैट मीन्स कार्बोनेट इज प्रेजेंट, और पासिंग ट्यूब से होते हुए लाइम वाटर को मिल्की बनाएगी। एक्सेस गैस पास होने पे लाइम वाटर कलरलेस हो जाएगा, सो कार्बोनेट इज कन्फर्म। गैस बहुत कम टाइम के लिए इवॉल्व होती है, इसलिए उसको जल्दी से कवर कर दें और पासिंग ट्यूब को लाइम वाटर में ही डुबा के रखें। टेस्ट फॉर सल्फेट। एक टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर लेके उसका वाटर में सॉल्यूशन बना लें। अब उसमें थोड़ा BaCl2 सॉल्यूशन मिक्स करें और मिक्स करें डाइल्यूट HNO3। यू कैन सी वाइट PPT आएंगे, सो सल्फेट इज प्रेजेंट। एक टिप भी है, मिक्सचर बहुत ही लिटिल अमाउंट में डालें, क्योंकि उसमें Fe हो सकता है, तो Fe का कलर जो ब्राउन होता है वही उसमें दिखेगा, इसलिए बहुत थोड़ा सा डालें। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि एसिड रेडिकल में वाटर की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सल्फेट को छोड़ के।